प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसकी हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, हमें जो सेंटेंसेस आने हैं उर्दू से हमने कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेंस कौन सा हमने बयान करना है। सबसे पहले हम देखें, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई फिक्र आ जाता है उसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर हमें वोकैबुलरी नहीं आती तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन आपको टेंस का ही नहीं पता तो आप फिक्र कैसे बनाओगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हम जब भी उर्दू में कोई भी फिक्र आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसके आखिर में ता है, ती है, ते है एंड ता हूं या ती हूं, ओके। ये हमारे पास चार से पांच लफ्ज हैं जो उर्दू में आए, तो हमें पता चल जाएगा ये टेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यानी इसमें हम एक सिंपल सी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, यानी मैं खाना खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, ये तमाम चीजें हम सिंपल कह रहे होते हैं, ठीक है। ये अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। ये हो गया इसकी जन। अब आगे हमने इसकी जो फर्दर डिवीजन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अब आगे है फर्दर डिवीजन इसकी। इसमें हम जो वर्ब है ना उसकी पहली फॉर्म ही यूज करेंगे। इसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास असर्टिव आ जाते हैं, असर्टिव सेंटेंस। एंड सेकंड हमारे पास नेगेटिव, यानी जो मरती फिक्रात होते हैं। एंड देन हमारे पास जो लास्ट पे आते हैं वो इंट्रोगेटिव होते हैं, ठीक है। अब हमने देखना है इनमें फॉर्मूले देखेंगे, जो एबिंग वर्ब यूज होते हैं या नहीं होते हैं ये भी देखेंगे। सबसे पहले एक और उसकी आइडेंटिफिकेशन थी प्रेजेंट की, कि जो हमारा हॉबी होगा या डेली रूटीन होगी उसको भी हम कह सकते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि हम रोजाना नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी हमारा रूटीन है, वो भी कह सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फर्दर डिवीजन में हमारे पास असर्टिव, यानी सिंपल स्टेटमेंट इसमें देंगे हम, मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, सिंपल स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। इसमें आएगा हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास सेंटेंस होता है ना, कोई भी सेंटेंस, उसके बेसिक पार्ट होते हैं तीन, होते चार हैं, लेकिन जो बेसिक पार्ट है वो तीन है, सब्जेक्ट उसमें आ जाता है। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो वर्क काम फिक्रे में जो काम कर रहा होता है, हु इज डूइंग वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एंड वर्ब हमारे पास वो होता है जो काम हो रहा होता है, द वर्क विच इज डूइंग इन द सेंटेंस। एंड देन हमारे पास ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा होता है, ऑन विच द वर्क इज डूइंग। ये तीन बेसिक पार्ट होते हैं, और बाकी चौथा है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, वो किसी सेंटेंस में हो सकता है, किसी सेंटेंस में नहीं भी होता, ठीक है। अब हमने असर्टिव सेंटेंस देखते हैं, यानी जिसमें हमने सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट देनी है, इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा एंड ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट, ओके। ये हमारे पास आ गया जी सब्जेक्ट, ये आ गया वर्ब जो काम हो रहा है, एंड देन हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा है, वो है क्रिकेट। तो ये हमारे पास असर्टिव सेंटेंस होते हैं। इसमें एक और इजाफा होता है, वो होता है एस या ईएस कहां लगाना है। अब हमने एस या ईएस लगाना है असर्टिव, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में हमने एस या ईएस का इजाफा करना है, और भी वो भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, बाकी किसी भी सेंटेंस में हम एस या ईएस का वर्ब के साथ इजाफा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। अब हमारे पास जो प्रोनाउन होते हैं सिंपली ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नेम हो सकता है, ओके। देन हमारे पास दे, वी, यू, आई एंड एनी प्लूरल नेम, ठीक है। अब जब हमारा सब्जेक्ट ही होगा, शी होगा, इट होगा या कोई भी सिंगुलर नेम होगा, तो हमने वर्ग के साथ एस या ईएस का इजाफा करना होता है, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट दे होगा
वी होगा, यू या आई होगा, या कोई भी प्लूरल नेम हो सकते हैं, अली एंड आमिर, ठीक है, ये दोनों प्लूरल नेम है, इसके दरमियान में ए एंड आर है, ठीक है। तो वहां हम वर्ब के साथ कभी भी एस या एस का इजाफा कभी भी नहीं करेंगे, ओके। तो ये था हमारा, जो हमने एस और एस लगाना है। अब हमने ये देखना है कि हमने एस सबसे एस और एस किन अल्फाज के साथ लगाना है, जहां पर जिस जो हमारे पास होगा ना वर्ब, ठीक है, वर्ब के एंड में एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स एंड ओ, ठीक है। वर्ब के एंड पर अगर एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या ओ, तब हम लगाएंगे एस, बाकी तमाम के साथ हम एस लगाएंगे, ओके। तो ये हमारे पास एस या और एस का हमने कब इस्तेमाल करना है, ये भी हमारा हो गया, ओके। एंड देन हमारे पास नेटिव, नेटिव में हमारे पास का फार्मूला हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म होगी। इसके हमने पढ़ा था सर, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में हमने एस या एस का इजाफा करना है, अदरवाइज हमने किसी भी सेंटेंस में एस या एस का वर्ब के साथ इजाफा नहीं करना, देन हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ओके। अब हमने असर्टिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना और ना ही आता है, सिर्फ हम जब नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव बनाएंगे सेंटेंसेस प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के, तो हम डू या डज यूज करेंगे, ओके। ये दो लफ्ज हम, ठीक है, इसके साथ नॉट तो लगना है, अगर नेगेटिव होगा तो नॉट इसके साथ लग जाएगा, अगर नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा, ओके। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा। अब हम देखते हैं कि डू कहाँ आना है और डज कहाँ आना है। हमारे पास भाई ही है, शी, इट एंड एनी सिमिलर नेम, इसके बाद दे है, वी, यू एंड एनी प्लूरल नेम के साथ। अब ही, शी, इट या सिमिलर नेम होगा तो फिर हम क्या करेंगे, डज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास दे है, वी है, यू है या एनी प्लूरल नेम है तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डू लगाते हैं, ठीक है, तो क्यों लगाएंगे यहाँ पर डज क्यों लगाना है, इसकी वजह से कि जो हमारे पास वर्ब था उसके अंदर हमने इजाफा किया था एस या एस का, वो आ जाएगा इसके साथ डज के साथ, एंड वर्ब अकेला सिंगल ही रह जाएगा, ठीक है, इसके साथ तो सिंपली डू नॉट हम लगा देंगे, ओके। जैसा कि हमारे पास कोई फिक्रा ले रहे हैं कि प्लेस क्रिकेट हमने सर्टे में किया था, वो क्रिकेट नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक दफा बोलते हैं, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ एस का इजाफा करना था, ठीक है, क्रिकेट हमारे पास वैसे ही आते हैं, ठीक है। अब जब हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज किया, डज नॉट यूज किया, तो इसका जो एस था वो हमने डज के साथ लगा दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव, जहां से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब आपने एंड पे जो क्वेश्चन मार्क है ये लाजमी लगाना, ओके। इसमें हमने करना क्या है, जो हमारे पास डज होता है ना, डज क्वेश्चन जो हम ऐसे वो यूज करेंगे, इसको हमें शुरू में ले आए, जैसे कि हमारे पास है डज, बाकी वैसे ही आ जाए, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा के ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया, ठीक है। पहले हैपिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म विदाउट एस या एस, एंड देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये इसका जो मंत्र है। तो ये था हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जिसकी आइडेंटिफिकेशन, इसके फार्मूले, इसको कैसे डिवाइड किया है, तमाम चीजें डिस्कस कर लिए। कल हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में उसके आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, वर्ब कौन से यूज करने हैं, कब यूज करने हैं, एस या इसका इजाफा होता है या नहीं, आई एन जी कब लगाते हैं, एंड देन हमारे पास उनकी फर्दर डिवीजन कौन कौन सी हैं, हेल्पिंग वर्ब वहां कैसे लगाते हैं, ये तमाम चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। तो दीजिए हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।